कार्तिक पूर्णिमा कब है, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या चंद्रग्रहण है, और चंद्रग्रहण है तो सूतक कब से लगेगा, चंद्रग्रहण का समय कब कब रहेगा, इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। आप सभी का आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल में हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इस वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 8 नवंबर को यह पूर्णिमा रहेगी, लेकिन मंगलवार 8 नवंबर को चंद्रग्रहण होने के कारण इस दिन पूर्णिमा का व्रत नहीं लिया जाएगा। इस वजह से पूर्णिमा का व्रत 7 नवंबर सोमवार को ही लिया जाएगा। इस दिन को देव दिवाली भी कहते हैं, क्योंकि देव उत्थान एकादशी पर देव उठ जाते हैं और तब इसके बाद वे पूर्णिमा के दिन गंगा तट पर दिवाली मनाने आते हैं। अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है। इसे कार्तिक के अलावा त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन दीपदान और विष्णु भगवान की पूजा का महत्व खास है। इस दिन पुष्कर में मेला लगता है और इसी दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दान पुण्य अक्षय फलों की प्राप्ति कराता है, इसलिए इसी दिन अनेक प्रकार से दान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास माना जाता है। आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन 7 महत्वपूर्ण कार्य हम क्या कर सकते हैं। सर्वप्रथम नदी स्नान और दान। कार्तिक मास में श्रीहरि जल में ही निवास करते हैं, इसलिए पूर्णिमा के दिन स्नान करना अति उत्तम माना गया है। इस दिन दान आदि का 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन में दान का बहुत ही अधिक महत्व है। अपनी क्षमता अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान और अन्य जो भी दान हो किया जा सकता है। दूसरा कार्य तुलसी और 6 तपस्विनी कृतिकाओं का पूजन। इस दिन भगवान विष्णु के रूप मत्स्यावतार, श्री कृष्ण, देवी लक्ष्मी, तुलसी और शालिग्राम पूजा के साथ ही चंद्रोदय के समय शिवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनुसूया और क्षमा, इन 6 तपस्विनी कृतिकाओं का पूजन करें, क्योंकि ये स्वामी कार्तिक की माताएं हैं और कार्तिकेय, खड्गी, वरुण, हुतासन और शकुश ये सायंकाल में द्वार के ऊपर शोभित करने योग्य हैं। अतः इनका धूप दीप नैवेद्य द्वारा विधिवत पूजन करने से शौर्य, बल, धैर्य आदि अनेक गुणों में वृद्धि होती है, साथ ही धन धान्य में भी वृद्धि होती है। तीसरा बिंदु दीपदान। मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन सभी देवता गंगा नदी के घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को दर्शाते हैं, इसलिए इस दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। नंबर चौथा बिंदु पूर्णिमा का व्रत। पूर्णिमा का व्रत सोमवार 7 तारीख को लिया जाएगा। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। पांचवा महत्व शिव पूजा। शिव के त्रिपुरारी स्वरूप की इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कार्तिकी को संध्या के समय त्रिपुरोत्सव करके कीटाः पतंगा मशकाश्च वृक्षे जले स्थले ये विचरन्ति जीवा दृष्ट्वा प्रदीपं नहि जन्म भागिन स्तै मुक्त रूपा हि भवति तत्र, इस प्रकार से दीपदान करें तो पुनर्जन्म का कष्ट प्राप्त नहीं होता है। छठा बिंदु सत्यनारायण की कथा। खास तौर पर पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संध्याकाल में पूजा की जाती है और सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने और सुनने से लाभ प्राप्त होता है। सातवां बिंदु दीपों से अपने घर को सजाएं। कार्तिक पूर्णिमा को घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों से बना हुआ तोरण अवश्य बांधें और दीपावली की ही तरह चारों ओर दीपक जलाएं। आइए अब जानते हैं इस वर्ष का चंद्रग्रहण कब लगेगा और उसका समय काल क्या होगा। चंद्रग्रहण इस वर्ष मंगलवार 8 नवंबर को लगेगा, जिसके कारण 8 नवंबर को किसी भी प्रकार का व्रत उपवास नहीं रखा जा सकता। इसके स्पर्श का समय होगा 2:39। यह 4:29 में मध्य में रहेगा और 5:15 पर यह दिखाई देगा और इसकी समाप्ति अथवा मोक्ष का समय 6:19 रहेगा। इसका सूतक काल प्रातः 9 से शुरू हो जाएगा। 8 नवंबर को भीष्म पंचक समाप्त हो जाएगा। इस दिन पुष्कर स्नान का, कार्तिक रथ यात्रा आदि का भी महत्व रहेगा।
दोस्तों यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस जानकारी को अपने शुभचिंतकों और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को इस प्रकार की अनेक वीडियो हेतु सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।